हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुमित अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी। वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस द फार्माकोग्नोसी ऑफ बिटर आलमंड। लेट्स स्टार्ट विथ बिटर आलमंड। दिस बिटर आलमंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। दिस इज द थर्ड ड्रग फ्रॉम योर सिलेबस दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ग्लाइकोसाइड। अर्लियर वी हैव सीन टू ड्रग, सेन्ना एंड अलॉय, बोथ आर बिलोंग टू द एंथ्राक्विनोन क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड एंड दिस इज द थर्ड ड्रग बिटर आलमंड। इट बिलोंग्स टू द साइनोजेनेटिक क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड। इसी को साइनोजेनिक भी कहा जाता है। ये साइनोजेनेटिक या साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड मतलब इसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो साइनाइड पॉइजनिंग साइनाइड होते हैं और हाइड्रोसाइनिक एसिड के फॉर्म में होते हैं। इसके वजह से ये इसका इंटरनल कंजम्पशन को प्रोहिबिट भी या कम भी करते हैं, राइट। हेंस इट इज कॉल्ड एज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड बिकॉज देयर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोसाइनिक एसिड। नेक्स्ट इज सिनोनिम, इट इज कॉल्ड एज अमिगडाला और अमारा। इसे अमिगडाला और अमारा कहा जाता है। इट इज अमिगडाला वर्ड जो है ये इसके स्पीसीज के नाम से आया है, अमिगडालस, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है अमिगडालिन। सो फ्रॉम देयर वर्ड, दैट इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्पीसीज एंड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट, द सिनोनिम इज अमिगडाला और अमारा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स। हियर द बिटर आलमंड्स आर नथिंग बट द ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट्स और ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स प्रूनस अमिगडालस। ये वर्ड यहाँ याद रखोगे, प्रूनस अमिगडालस, यानी कि प्रूनस अमिगडालस ये इसके जीनस स्पीसीज का नाम है। उसका जो पोर्शन यूज करते हैं वो है सीड। तो दिस इज द ड्रग इन विच द पार्ट यूटिलाइज इज कॉल्ड एज ड्राइड सीड्स। सो बिटर आलमंड्स आर द ड्राइड सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्रूनस अमिगडालस, द फैमिली इज रोजासी। तो इस तरीके से आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद रखोगे। नेक्स्ट आता है मैक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी में आपने सीड देखे, तो सीड की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसका नाम रहता है टेस्टा। तो यहाँ टेस्टा के ऊपर लाइंस होती है वो अपन देखेंगे। पहले अपन बात करते हैं कलर्स की। द कलर ऑफ द सीड इज ब्राउन, द ऑर्डर इज ऑर्डरलेस, द टेस्ट इज बिटर। बिटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट जो है उसका हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है और इसमें एक बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो अपन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखने वाले हैं। उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो बिटर हो जाता है। साइज़ की बात करते हैं तो लेंथ में आता है 20 mm, विथ रहती है 125 mm और थिकनेस है इसकी 10 mm। फिगर में आप देख सकते हैं। द शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैटेंड। इसका अगर शेप आप नोट करोगे तो ये फ्लैटेंड शेप का रहेगा और आउटर मोस्ट अगर देखेंगे, एक्सटर्नली देखेंगे तो इट लुक लाइक ओवलॉन्ग एंड ओवाइड विथ मार्किंग ऑन टेस्टा। आप जो टेस्टा की बात कर रहे हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीड के ऊपर में उसके मार्किंग रहेंगी। तो ये इसका एक शेप है जिसको आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपी और मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड्स और कर्नल पोर्शन ऑफ बिटर आलमंड। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इट कंटेन 40 to 50% ऑफ ब्लैंड फिक्स्ड ऑयल। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज फिक्स्ड ऑयल विच इज अराउंड 40 to 50%, फॉलोड बाई 20% ऑफ द प्रोटीन्स। इट ऑल्सो कंटेन वन एंजाइम, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द एंजाइम, इमल्सिन। इन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में भी आस्क विच एंजाइम में बी प्रेजेंट इन द बिटर आलमंड। द नेम ऑफ द एंजाइम इज इमल्सिन एंड द कलरलेस क्रिस्टलाइन बिटर ग्लाइकोसाइड। दिस बिटर ग्लाइकोसाइड नोन एज अमिगडालिन। दिस अमिगडालिन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द बिटर आलमंड एंड बिकॉज ऑफ दिस अमिगडालिन द टेस्ट ऑफ द ड्रग इज और टेस्ट ऑफ द सीड इज बिटर बिकॉज इट इज अ बिटर ग्लाइकोसाइड। तो इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ बिटर ग्लाइकोसाइड किसी ने पूछा तो आपको बताते आना चाहिए, अमिगडालिन इज द बिटर ग्लाइकोसाइड फाउंड इन बिटर आलमंड, राइट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है एंजाइम, एंजाइम का नाम है इमल्सिन। ये दो चीज़ यहाँ याद रखोगे। एंड वोलेटाइल ऑयल, दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बिटर आलमंड। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमिगडालिन। ये स्ट्रक्चर यहाँ बताया इसलिए है क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये दो दो सब्सटेंस तैयार करता है, एक बेंजाल्डिहाइड और एक हाइड्रोसाइनिक एसिड। वो रिएक्शन अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्डिहाइड कंटेंट है यहाँ पे और एक CN वाला है, CN मतलब साइनाइड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड टेक्स प्लेस ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ बिटर आलमंड और अमिगडालिन जिसको आप बात कर रहे हैं। तो अमिगडालिन का हाइड्रोलिसिस होता है। स्वीट आलमंड डज नॉट कंटेन द बिटर ग्लाइकोसाइड अमिगडालिन, हेंस इट इज नॉट बिटर इन टेस्ट। दो आप आलमंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्वीट आलमंड की जिसका अपन कंजम्पशन करते हैं, इट डज नॉट कंटेन द बिटर ग्लाइकोसाइड अमिगडालिन, हेंस इट इज नॉट बिटर इन टेस्ट। सो अब्सेंस ऑफ अमिगडालिन डज नॉट प्रोड्यूस वोलेटाइल ऑयल ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट। तो अमिगडालिन ही नहीं होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा
और उससे आपको वोलेटाइल ऑयल जो है वो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। तो दो फर्क यहाँ पे याद रखोगे आप, बिटर आलमंड में बिटर ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहेगा जिसके वजह से उसका बिटर टेस्ट होता है, उसका नाम है अमिगडालिन। उसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट में बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड तैयार होते हैं जिससे आप उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते। दूसरा जो आलमंड है वो स्वीट आलमंड है, उसमें बिटर ग्लाइकोसाइड अमिगडालिन अब्सेंट होता है, उसके वजह से उसका बिटर टेस्ट नहीं होगा और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट तैयार नहीं होते। दिस इज द डिफरेंस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बिटर आलमंड। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे, बिटर ग्लाइकोसाइड जो अमिगडालिन है उसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो सब्सटेंस तैयार होते हैं। वन इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड विच इज़ अराउंड 80% एंड सेकंड इज हाइड्रोसाइनिक एसिड विच इज़ अराउंड 2 to 6%। एंड दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड इज पॉइजनस इन नेचर एंड इट मेक्स द ड्रग अनएबल और अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन, राइट। तो अमिगडालिन की वजह से जो बिटर टेस्ट है उसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है ये पॉइजनस है जिसकी वजह से आप उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते। और जो आलमंड के अपन टेस्ट करते हैं या अपन कंजम्पशन करते हैं वो स्वीट आलमंड होता है, उसमें अमिगडालिन जो है वो अब्सेंट होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट इज यूजेस। बिटर आलमंड इज यूज एज अ सिडेटिव ड्यू टू दी हाइड्रोसाइनिक एसिड कंटेंट। जो बिटर आलमंड में उसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है एंड दिस हाइड्रोसाइनिक एसिड इज सिडेटिव इन नेचर, सो हेंस बिटर आलमंड कैन बी यूज एज अ सिडेटिव। सेकंड, द ऑयल दैट इज द वोलेटाइल ऑयल विच इज प्रेजेंट इज डिमल्सेंट दैट कैन बी यूज इन स्किन लोशन। थर्ड, इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमिगडालिन दैट इज बिटर आलमंड वाटर। इफ यू हैव टू प्रिपेयर अ बिटर आलमंड वाटर देन यू कैन यूज अमिगडालिन विच इज द बिटर ग्लाइकोसाइड। एंड लास्ट, इट इज यूज इन परफ्यूमरी इन द फॉर्म ऑफ लिकर्स ऑल्सो, इन परफ्यूमरी एंड इन द फॉर्म ऑफ लिकर। दीज आर द मल्टीपल यूजेस। द मेजर यूज इज मेडिसिनल यूज इज सिडेटिव इन नेचर बिकॉज ऑफ हाइड्रोसिनिक एसिड कंटेंट एंड द अदर यूज आर डिमल्सेंट, परफ्यूमरी एंड इन द लिकर्स ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट बिटर आलमंड। फॉर फर्दर रीडिंग रेफर माई बुक फार्माकोग्नोसी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू।